स्वागत है आपका। 2014 के आम चुनाव के जब नतीजे आए तो नई सरकार बनने के बाद जिस तरह की स्थिति लोकसभा में दिखाई दी थी, सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री के दाहिनी ओर जो तीन प्रमुख पार्टियां थी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी और शिवसेना, वो अपने आप बताती थी कि इस गठबंधन में इनका रोल, इनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। संयोग है कि कहीं ना कहीं ये तीनों ही प्रमुख पार्टियां अब सरकार से नाराज चल रही हैं। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी गोरखपुर और फूलपुर के जख्म भरे भी नहीं थे कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि एक और घटक है, वो भी नाराज चल रहे हैं और एक तरह से बगावती तेवर में आ चुके हैं। सवाल यह है कि 2019 तक क्या एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती एनडीए को बनाए रखने की होगी? क्या 2019 में वही एनडीए दिखाई देगा जो 2014 में था? इन सब पर होगी चर्चा। दरअसल एनडीए से एक दल जिसने सबसे ज्यादा बगावती तेवर अख्तियार किए हैं वो है टीडीपी। दरअसल टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर आज भी लोकसभा में चर्चा नहीं हो पाई। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के अंक गणित के हिसाब से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राजनीति के बदले मिजाज को देखते हुए इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी कल तक बीजेपी के साथ थी, तो विश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग नहीं करने वाली शिवसेना अभी भी एनडीए का हिस्सा है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को भी सदन में नहीं रखा जा सका। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि उन्हें नोटिस तो मिला है, लेकिन जब तक सदन ऑर्डर में नहीं होगा तब तक अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन करने वाले सांसदों की गिनती मुमकिन नहीं है। दरअसल टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस के सांसद वेल के सामने आकर अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर हंगामा करते रहे। हंगामा शांत होता न देख स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदन से कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल टीडीपी और टीआरएस ने शुक्रवार को ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने सदन के ऑर्डर में नहीं होने की वजह से इसे स्वीकार नहीं किया था। टीडीपी का दावा है कि उन्हें 126 सांसदों का समर्थन हासिल है। चंद्रबाबू नायडू ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के भी संपर्क में हैं। कुछ और विपक्षी दल भी प्रस्ताव के समर्थन में हैं। मैं अपोजिशन में हूँ, जो अपोजिशन करेगी वो मैं भी करूँगा वही। नहीं नहीं, अपोजिशन तैयार करें, अपोजिशन को बीजेपी जो अन्ना डीएमके है इसको, ये बीजेपी की सह से हाउस को डिसऑर्डर में रख रही है, बना हो जाओ। नो कॉन्फिडेंस मोशन में चर्चा होनी चाहिए, होनी चाहिए। वैसे सरकार जानती है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का महत्व सांकेतिक ही है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को खुद अपने दम पर बहुमत हासिल है। इसके अलावा एनडीए के घटक दलों को मिलाकर आंकड़ा 310 के पार चला जाता है। ऐसे में प्रस्ताव के न गिरने की कोई सूरत नहीं है। विश्वास प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। पूरा सरकार जानती है, पूरे विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या पर पूर्ण बहुमत में है, एनडीए के लोग भी के साथ भी हम पूर्ण बहुमत में हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और मैं समझता हूं कि इसका मतलब कोई नहीं है कि किस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व के हाथों के अंदर, पूरा देश विश्व का समर्थन हमारे साथ है, पूरे पार्लियामेंट के लोगों का समर्थन हमारे साथ है, तो ये तो मैं समझता हूं देश की जनता भी जानती है कि आखिरकार इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है। सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी पिछले हफ्ते तक सरकार के साथ थी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पहले सरकार से अलग हुई और उसके बाद एनडीए से भी नाता तोड़ लिया। इससे पहले सोनिया के डिनर पार्टी में
20 दलों के नुमाइंदे पहुंचे थे। कुल मिलाकर यह अविश्वास प्रस्ताव पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ बने मूव की एक कड़ी है। अमर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो इस वक्त अपनों का जो अविश्वास है वो शायद एनडीए के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे साथ इस वक्त कई सारे मेहमान हैं। ओम प्रकाश राजभर है जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार के। इसके अलावा अंजला सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी की। विनायक डालमिया है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और साथ ही अनिल राय है, मैनेजिंग एडिटर है न्यूज वर्ल्ड इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजभर जी, सवाल मेरा आप ही से है। विपक्ष जितना प्रहार नहीं कर रहा आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे ज्यादा आप अकेले सरकार के अंदर रहकर सरकार के कामकाज पर, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नाराजगी क्या है? अभी तो एक साल के जश्न की तैयारी भी ठीक से नहीं हुई, उसके पहले ही अंदर से इतनी नाराजगी क्यों है? सबसे पहले तो आप सभी को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। और जो सवाल आपने किया है, देखिए, हम सरकार में जो कामकाज हो रहे हैं, जो कमी है, उस कमी को हम सरकार को बताने का प्रयास करते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग सरकार बनाए हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है राशन कार्ड के सवाल पे, आवास के, शौचालय के, पेंशन के, शिक्षा के सवाल पे, जिन लोगों ने दवाई के सवाल पे वोट दिया है, उनके तक वो सुविधा नहीं पहुंच रही है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय संगठन के लोगों को, पार्टी के, मैं बराबर अवगत कराता रहता हूं। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मजबूरन मैं आपके सामने आता हूं, आपके माध्यम से उनको संदेश देता हूं जिनके लिए, जिन लोगों ने मुझे भेजा है अपने लिए, कि हमारी लड़ाई वहां जाकर के ये लड़ेंगे। तो उस आवाज को हम उन तक पहुंचाते हैं कि भाई देखो, हम तो लड़ रहे हैं लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है। क्या आपकी इस बारे में इंटरनली कोई अलग से बैठक हुई? आपने अपनी बातों को योगी आदित्यनाथ के पास रखा? क्या उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई? देखिए, चार दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात हुई थी इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर। तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी संगठन को बताएंगे, लोग बात करेंगे। 12 तारीख को राज्यसभा का पर्चा भरा गया और कल तक कोई भी नेता हमसे बात करने को तैयार नहीं था। और बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं, साथ अगर हैं तो नामांकन के समय उनको, हम लोगों को कम से कम कि फला प्रत्याशी है, आप भी चलिए पर्चा भरना है, ये भी नहीं किया। उसके पहले आपने देखा गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव हुआ, हम लोगों की कोई मतलब नहीं, उनके दिमाग में हम लोग अकेले जीत लेंगे। उसके पहले निकाय चुनाव हुआ, निकाय चुनाव में हम लोगों का कोई मतलब नहीं। बार बार हम लोग बताते रहते हैं कि भाई देखिए, हम लोग साथ हैं तो कम से कम अपने छोटे भाई को साथ लेके चलिए कहीं भी कोई काम हो। आज जो चीजें धरातल पे नहीं हो पा रही हैं, उस बात को हम बराबर अवगत कराते रहते हैं। और जब बात वहां नहीं बनती है तो फिर आपके माध्यम से हम जनता को बताते हैं कि भाई देखो, ये तेरा काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन राजभर जी, बात सिर्फ काम न होने की नाराजगी भर नहीं, आपने सीधे सीधे जिस तरह से एनकाउंटर्स पर सवाल उठाया, सरकार के चरित्र, सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया, आपने कहा कि सीटों के नशे में पगला गई है बीजेपी, तो इस तरह की भाषा सुनकर लगता है कि विपक्ष की जरूरत क्या है अगर अंदर बैठे साथ बैठे लोग सरकार में भी रहेंगे और सरकार की इसी तरह से मुखालफत भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आज सरकार छोड़ करके बाहर होकर के बोलूं तो आप कल यही कहेंगे कि आप सरकार में थे तो आपका स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, इस नाते आप बाहर आके बोल रहे हैं। आज सरकार में रह करके जो कमी है सरकार को, सरकार में हम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को या लोगों को बता रहा हूं, तो ये बात अहम होती है कि सत्ता में रह करके आदमी सत्ता के मद में नहीं बल्कि गरीबों के लिए वो आवाज तो बंद करके बोल रहा है। ठीक है, अंजला सिंह जी हमारे साथ। अंजला जी, आप जवाब देंगी। जो मुख्य आरोप है कि लगातार ये तो खुद को मान रहे हैं कि हम छोटे भाई हैं, हम छोटी पार्टी हैं राज्य में, लेकिन हम फिर भी साथ हैं, लेकिन जो बड़े भाई है, जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो कोई भाव नहीं दे रही, किसी मौके पर पूछ नहीं रही और कुल मिलाकर उपेक्षा कर रही है। देखिए, ऐसा है राजभर साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं काटूंगी। उनको कहीं ना कहीं पर गुस्सा है, या मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो दुखी हुआ है, तभी वो ऐसी बात कह रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा बड़ा भाई है और हम छोटे भाई, मतलब ये है कि हम एक परिवार हैं।
जो उनकी नाराजगी है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी उनसे अवगत कराया है, और मुझे पूरा विश्वास है जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो संगठन में इस विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और जिस जो भी आपस में थोड़ा बहुत एक कम्युनिकेशन गैप, मैं कहूंगी इसको एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर मुख्यमंत्री जी ये पहल कर रहे हैं तो जो भी कम्युनिकेशन गैप है दोनों पार्टीज के बीच में वो खत्म होगा, और आगे जो भी हम काम करेंगे साथ मिलकर करेंगे, एक दूसरे के लेकिन अनिला जी, अनिला जी, करेंगे अच्छी, क्योंकि अच्छी दोनों दल जब साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा है तो सपा और बसपा जैसे विचारधारा वाली पार्टी जो कि केवल भ्रष्टाचार पर जीवित रहती हैं और केवल परिवारवाद पर जीवित रहती हैं, ऐसी पार्टियों के खिलाफ हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो आइडियोलॉजिकली तो हम लोग एक जैसे हैं, जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा। अनिला जी, जब विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी अहंकार में है और किसी को कुछ समझती नहीं है, तो ठीक है आप उसको खारिज कर सकते हैं कि ये तो विपक्षी पार्टियां हैं, इनका काम ही है सरकार को क्रिटिसाइज करना, लेकिन अब अंदर से आवाजें आ रही है, टीडीपी बोल रही है, शिरोमणि अकाली दल के एक सांसद को मैंने सुना उन्होंने भी यही बात कही, शिवसेना लगातार कह रही है, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राजभर साहब है वो भी यही बात कह रहे, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं सीरियस आत्ममंथन की जरूरत है। आखिर क्या है ऐसा कि विपक्ष तो विपक्ष, जो आप जिनको परिवार मान रहे हैं परिवार के सदस्य भी बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी अब किसी को कोई समझती नहीं है और अहंकार में पागल है। देखिए ऐसा है कि अभी राजभर साहब ने जो कहा उसका उत्तर मैंने दे दिया, और मैंने कहा भी कि मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो वो इस संदर्भ में बिल्कुल कदम उठाएंगे भी, और जो कम्युनिकेशन गैप है दोनों पार्टीज के बीच में वो खत्म भी होगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जब हम एक जैसे हैं और भ्रष्टाचार युक्त पार्टियों के खिलाफ हमने चुनाव जीता और हम सत्ता में आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है ये परिवार छोटे भाई बड़े भाई का जो संबंध है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। ठीक है, अगर आप केंद्र की बात करते हैं नरेश जी, तो टीडीपी जो है वो चार वर्ष कुछ नहीं बोली, अब चुनावी वर्ष आ गया है तो किस प्रकार की ये राजनीति कर रही है, ये क्या है, ये क्या समझ रहे हैं कि आंध्र के जनता जो है या ये देश की जनता जो है क्या वो मूर्ख है? ठीक है, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाला हिसाब कर रहे हैं कि आप चार साल तो बड़े बैठ के आपने मजे किए, सत्ताधारी सरकार के साथ आप रहे, इलेक्शन ईयर आया तो आप दुनिया भर के बहाने और झूठे आरोप लगा रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर, ये गलत बात है। दोस्ती वो होती है जब आप थिक एंड थिन, यानी कि मजबूरी में भी साथ रहें और खुशी के दिनों में भी साथ रहें, ऐसा नहीं है कि चार साल तो आपने मजे किए पांचवें साल जो टाटा बाबा तो मान रहे कि मजबूरी के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, आरोप भी लगा दें आप। चलिए ठीक है, विनायक डालमिया आपके पास नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी दल हो नरेश जी, कोई भी दल, दोस्ती आपके भी दोस्त होंगे, ठीक है ठीक है, दोस्ती जब होती है तो ऐसा नहीं होता है कि आज अच्छे दिन है तो हम साथ रहेंगे, कल बुरे दिन है तो टाटा बाबा। चलिए ठीक है, ठीक है अनिला जी, ठीक है अनिला जी। विनायक जी आप किस तरह से देख रहे हैं, वाकई में ये जैसा कि अनिला जी कह रही है कि तो परिवार के अंदर का मामला है, घर के अंदर का मामला है, बड़े भाई छोटे भाई का मामला है, या आपको लगता है वाकई में कुछ सीरियस गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये मन मुटाव जो है बाहर आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए पहले तो दर्शकों को प्रणाम और नमस्कार, जो इन्होंने कहा कि परिवार, अब देखिए परिवार जब बनता है तो परिवार में सबका उतना ही आवाज होनी चाहिए, सबकी उतना हक होना चाहिए और सबकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। अब पर दिखने में ये आ रहा है कि भाजपा अपने परिवार को समेट के नहीं रख पा रही है, भले ही वो टीडीपी हो, भले ही वो शिवसेना हो, भले ही जम्मू कश्मीर में उनकी दिक्कतें हों पीडीपी से, आप देश के अनेक अब उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए तो देश के अनेक अनेक हिस्सों में आपको ये दिख रहा है कि भाजपा जो है वो बाकियों को छोटा समझती है, अपनों को अपने आप को बड़ा समझती है, इनको एक अहंकार हो गया है। और जो इन्होंने खुद कहा कि अच्छे दिन में साथ रहना चाहिए और बुरे दिन में साथ भी रहना चाहिए, तो अब ये खुद मानने लग गई है कि बुरे दिन इनके आ गए हैं, अच्छे दिन खत्म हो गए, बुरे दिन आने वाले हैं। अब देखिए जब मरीज बीमार होता है तो शुरू में आपको खांसी जुकाम होता है, तो भाजपा को भी आप देख लीजिए यही शुरू हो गया है, खांसी जुकाम शुरू हो गया है और बीमारी शुरू हो गई है। इन्होंने खुद कहा कि बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन खत्म हो गए, और ये आग्रह कर रही हैं अपने बाकी परिवार के हिस्सों से कि बुरे दिन में साथ रहिए। देखिए ये कौरवों की सरकार है,
ये किसी और का नहीं सुनती, किसी और का नहीं मानती, बस अपना मनमर्जी करती है और ये अपने खुद के परिवार को तो नहीं संभाल नहीं पाती, देश की जनता का क्या करेगी ये। और एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये इनकी पार्टी जो है परिवारवाद में नहीं मानती, ये सरासर झूठ है। अब मैं आपको आंकड़े गिना सकता हूं, मैं आपको नाम भी ले सकता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहां पे, पर मैं आपको नाम भी ले सकता हूं कितने भाजपा के ऐसे एमपी एमएलए मंत्री हैं जो एक पॉलिटिकल राजनीतिक परिवार से आए हैं। तो भाजपा कोई इस बात से छुपी नहीं है। और जो इसमें परिवारवाद की बात की, देखिए जनता है, डेमोक्रेसी में जनता मेरिट पे चुनती है, आप किसी भी परिवार से हो, अगर आपको जनता पसंद नहीं करती है जनता आपको हटा के बाहर कर देगी। ठीक है, ठीक है। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा, भाजपा में चाहे वो यूपी हो या केंद्र हो, जिस तरह से उनके अपने ही घर के लोग, अपने ही कुनबे के लोग लगातार एक एक करके नाराज हो रहे हैं। टाइमिंग देखिए, पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार एक नया नाम सामने आ रहा है, ये कितना बड़ा संकट है एनडीए के लिए और 2019 में उनको कितना ही बड़ी मुश्किल होने वाली है, और खासतौर पर यूपी में योगी जी के लिए कितना बड़ा यह संकट है। इसको दो तरह से देखना पड़ेगा ना, जैसे एक हम दिल्ली के लिहाज से देखेंगे, यूपी के लिहाज। बिल्कुल, दिल्ली के एक जब भी राजनीतिक दल, जब भी चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं का पाला बदलने का खेल चलता है। अगर किसी भी चुनाव के आने के एक साल के पहले के हम आंकड़े को उठाएं तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग पार्टी बदलकर जिताऊ पार्टी में चले जाते हैं और बहुत सारे राजनीतिक गठबंधन बनते हैं जो उस इस लिहाज से बनते हैं जो सत्ता में रहे। जैसे पिछले बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, एनडीए आई, ये सारे दल कभी न कभी भले ही कहते हो विचारधारा का गठबंधन हो, लेकिन ये सारे दल कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं। अगर विचारधारा है तो इतनी जल्दी बदलती क्यों है? इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा बार्गेन कर रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा में हमको जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। दूसरा होता है कि जो वादा करके जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, जब अगले चुनाव आएगा तो जनता को गुमराह कर सकें, भाई हम तो केंद्र सरकार से तुम्हारे काम की सिफारिश किए लेकिन केंद्र ने सहयोग नहीं किया, इसलिए प्रदेश का विकास नहीं हो पाया, तो अपने के लिए एक सेफ्टी वाल बन जाता है। तो ये जो गठबंधन अलग हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू या शिवसेना या हम अकाली दल में थोड़ी बहुत सुबुकाहट है उसका कारण है। दूसरा, हम यूपी को समझने की कोशिश करेंगे। यूपी में दो चुनाव हार के बाद अगर ओम प्रकाश जी की बात करें तो लगातार सरकार विरोधी बयान देते रहे हैं, जिला गाजीपुर के डीएम से हटाने को लेकर और तक, लेकिन इनका जो बयान है, अभी मैं इनके बयान को पढ़ रहा था, कहीं भी मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। अगर ये अमित शाह जी से मिलने की बात कर रहे हैं, मतलब ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग की बात है, सत्ता की बार्गेन की नहीं है। मुख्यमंत्री इनके विकास कार्यों में इनका सहयोग कर सकते हैं लेकिन सत्ता की बार्गेन करने के लिए पार्टी के, जब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में पार्टी अध्यक्ष से मिलना चाहता है तो क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना चाहता है। इन्होंने कहा कि हम अमित शाह से मिलेंगे नहीं तो वोट नहीं करेंगे। अमित शाह जी तो उत्तर प्रदेश में सड़क नहीं बनवाएंगे ना, वो विकास की बात नहीं करेंगे। वो एश्योर कर सकते हैं कि इनका हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, लोकसभा में इनको एक दो सीट दे दी जाएगी, इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। और जिस तरह से लोकसभा के दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, कहीं ना कहीं यह मैसेज गया है कि पिछड़ा वोट बैंक उनसे नाराज है और इस पिछड़े वोट बैंक का बहुत बड़ा पूर्वांचल में इनका बड़ा वोट बैंक है। इनके सहयोग भले वो 325 सीटें जीती हो भाजपा और इनका सीटों के संख्या में बहुत चार पांच ही दिख रहा हो, लेकिन जब इसको दो तीन चुनाव में, जब आप बहुत सारे स्टेट के आंकड़े देखेंगे, गुजरात के देखेंगे, मेघालय के, तो परसेंटेज ऑफ वोट का अंतर 2 से 3% रहता है सत्ता पाने वाले सत्ता खिलाफ, और ये 2-3% वोट ओम प्रकाश राजभर के पास है जिसको ये बार्गेन करके लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ी सेटिंग चाहते हैं कि हमको बड़े से बड़ा कोई पद मिल सके। ठीक है राजभर जी, जवाब दीजिए, वाकई में बार्गेनिंग का ही मामला है, नाराजगी इसीलिए है? हम बड़े भाई को क्या कहें, मैं सत्ता में आने के बाद 3 महीने लगातार सब चक्रोट खड़ंजा जीएस बंजर की लड़ाई लड़ा, जिसको अभी भाई ने कहा कि डीएम के खिलाफ, मेरा डीएम से कोई लड़ाई नहीं था। डीएम एसडीएम तहसीलदार रेवेन्यू का अधिकारी होता है, जब वो चक्रोट सरकारी चक्रोट नहीं नापेगा, जो वो विवाद है चक्रोट का नाप के क्लियर नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ हम अगर सीएम से कह रहे हैं, सीएम से कहने के बाद नहीं बात बनी, पहले हम डीएम से कहे, डीएम से बात नहीं बनी तो सीएम से कहे, जब सीएम से कहने पर बात नहीं बनी। और जहां तक बार्गेनिंग की बात भाई ने कहा, देखिए ओम प्रकाश राजभर, हम एक इलाके से आते हैं जहां पूर्वांचल से सबसे बड़ी गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी है, हम उनके राशन कार्ड की बनवाने की बात करता हूं, नहीं उनको आवास की बात करता हूं। आपने जो अपॉइंटमेंट मांगा है वो अमित शाह से मांगा है, आप कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलकर मैं फैसला करूंगा, तो सड़क बिजली पानी राशन कार्ड आपकी समस्या में अमित शाह जी का क्या रोल है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, समझाएंगे आप? ना नहीं भैया, मेरी बात तो आप सुनो जी, आप मेरी बात तो सुनो जी। मैं 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला,
मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद जब पूरी स्थिति मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि अभी पार्टी के लोग आपसे बात नहीं किए। हमने कहा कोई बात नहीं किया, ना तो प्रदेश अध्यक्ष किया, ना संगठन मंत्री किया। यहाँ पार्टी की बात कहां से आती है? सड़क बिजली पानी में पार्टी कहां आती है? ओम प्रकाश जी, सड़क बिजली पानी में पार्टी कहां आती है? उसमें तो सरकार आती है ना। आपसे चीफ सेक्रेटरी बात करे, आपसे मंत्री बात करे, आपसे कैबिनेट सेक्रेटरी बात करे, आप महेंद्र पांडे से क्यों बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं कैबिनेट क्यों, वो प्रदेश के मालिक नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री मालिक है। पार्टी विकास के में पार्टी का रोल नहीं है। समझौता किया हूं। पार्टी अध्यक्ष तो टिकट मांगेंगे ना कि आप हमको लोकसभा में टिकट दो, विधानसभा में टिकट दो, नहीं नहीं, स्थानीय निकाय में। आप सरकार के किसी मंत्री से बात करिए। ठीक है राजभर जी, राजभर जी, राजभर जी, एक ब्रेक पर जाएंगे, एक ब्रेक पर जाएंगे। बहुत संक्षिप्त में खाली आप इतना बता दीजिए, आप इतना बता दीजिए। चलिए, आपने कहा कि आप बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री। ठीक है राजभर जी, आपने कहा बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, चलिए मान लिया, लेकिन एक लाइन में आप कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोकसभा के लिए कोई सीट नहीं मांग रहे होंगे हिस्सेदारी में। भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी है, हम गठबंधन में हैं। हाँ। और बड़ा भाई छोटे भाई का हिस्सा नहीं देगा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत कुछ समझ में आता है। छोटा सा ब्रेक लेके फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की, जिसमें अब दरारें दिख रही हैं। एक के बाद एक सदस्य अपनी नाराजगी बाहर रख रहे हैं। यूपी में ओम प्रकाश राजभर नाराज दिख रहे हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। ओम प्रकाश जी, एक बार जरा आप और बताइए कि आप क्या आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है आपको? आप क्यों अमित शाह से मिलना चाहते हैं? आप भरोसा अब आपको नहीं है योगी आदित्यनाथ पर? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलकर कह चुका, मैं सुनील बंसल से कह चुका, मैं केशव प्रसाद मौर्या जी से कह चुका, मैं दिनेश शर्मा जी से कह चुका। उसके अलावा आप बताइए कि मैं साथ में हूं निकाय चुनाव को, आपने देखा, मैं निकाय चुनाव में तीन चार जिला नगर पंचायत की सीट अपने पूर्वांचल में जो मैं जीता करता था। आपको भरोसा है कि नहीं रहा? लेकिन उन्होंने आपकी 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 जो मांग है वो योगी जी पूरा कर पाएंगे, इसका भरोसा है कि नहीं आपको? देखिए, मुख्यमंत्री अमित शाह जी बनाए हैं और हमारी वार्ता अमित शाह जी से हुई। मैं बार बार कह रहा हूं, यानी योगी जी पे आपको भरोसा नहीं है? मुख्यमंत्री जी का नहीं, सब ठीक है। यानी योगी जी पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, भरोसा उन पे हम देखिए भरोसा क्यों नहीं है, भरोसा करके ही मैं उनके पास जाता हूं ना। तो फिर अब भी जाइए, अब आप अमित शाह के पास क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन जब हमारा काम नहीं हो रहा है, जो गरीब को राशन कार्ड, वो भरोसा हिल चुका है, भरोसा टूट चुका है। नाते बात करने जा रहा हूं कि चूंकि वो संगठन के मालिक हैं, संगठन के मामले पर भरोसा क्यों नहीं टूट जाएगा? निकाय चुनाव जो मेरे साथ हुआ, उपचुनाव में हम लोगों को पूछा नहीं गया, राज्यसभा के सवाल पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आप अपनी मांगों को रखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी मांगों को रखिए। राजभर जी, आप बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी एक वर्ग है जो आप पर भरोसा करता है, आप उन्होंने वोट दिया, आप मंत्री तक बने, आप अपनी मांगे रखिए। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं, एनकाउंटर पर सवाल उठा देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पिछली सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही थी, अब थाने में जाओ तो दरोगा कहता है कि पहले पैसा दो तब काम होगा, भले ही मंत्री जी ने कहा हो, किसी ने भी कहा हो, ये सारी बातें आपने अलग से हमारे एक और इंटरेक्शन के दौरान कही है। लेकिन जब आप ये सारी बातें कहते हैं तो सीधे सीधे आप सरकार को मुश्किल में डालते हैं, उसके अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। आपको भी आपका ये नहीं, हमारी बात सुनिए, आपको मैं वीडियो अभी भेज दूं, मेरे विधानसभा में मर्दा थाने में, और वहां का इंस्पेक्टर जो दरखास्त लेके जाता है उसके ऊपर फार के दर फेंक देता है, अभी वीडियो भेज दूं? आप कहो तो मैं एसडीएम का वीडियो भेज दूं, तो आप मंत्री हैं, आप कार्रवाई करवाइए, आपके खंड विकास अधिकारी का वीडियो भेज दूं? ओम प्रकाश, वो बात मैं कह रहा हूं, ये जनता के हक की बात है, सारे वीडियो आपके मतवा पर, आप वो वीडियो दीजिए, वो हम चला लेंगे, लेकिन भेजता हूं, लेकिन अपने रिपोर्टर से जो यहां उनसे पूछे उनको दे दिया हूं मैं। हाँ। हम जरूर चलाएंगे, हम इसका वादा करते हैं आपसे कि हम चलाएंगे इस वीडियो को। लेकिन अगर एक थाने की बात है तो अगर आप ये कहेंगे कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो क्या आप सरकार की मुश्किल नहीं बढ़ा रहे हैं?
नहीं, सरकार की मुश्किल नहीं बढ़ा रहा हूं, सरकार में जो कमी है उसको हम बता रहे हैं कि ये कमी है, इसको सुधारा जाए ताकि बेहतर हम लोग कर सके। प्रकाश जी, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो इसके बाद हम कहां जाए, किससे कहने जाए। तो लास्ट आवर में तो अमित शाह ही न बचते हैं कि साहब ये स्थिति है प्रदेश में, 2019 का चुनाव आ रहा है, जिस इशू को लेकर के हम लोग लड़े हैं, पिछड़ों के सवाल पर एक साल हो गया, 27% रिजर्वेशन पे जो माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तीन कैटेगरी बनाने की बात उन्होंने किया था, में फिर नहीं रहे, तो उसी बात को हमने बार बार मैं कह रहा हूं कि तीन कैटेगरी बन जाए, जो विभाजन हो जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, ताकि जो नहीं हिस्सा पाया है उसको हिस्सा मिले। मुझे हम इसी बात को लेकर के पिछड़ों के हित के लिए सरकार बनाए हैं, तो पिछड़ों को साल भर तो हो गया, अभी उस पर कोई कदम नहीं उठा। ठीक, अब आप बताइए कि अब इसमें वोट, इसमें हम सीट की बार्गेनिंग की क्या बात है कि हम सीट की बार्गेनिंग कर रहे हैं, अगर कहीं कोई गलत हो रहा है उसको अगर हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार अगर हमारी बात को करे नहीं सब ठीक हो रहा है, तो इस बात को उसके बाद हम आपसे कहें कि हम इस से कहें, ये भी तो तय हो कि हम किससे कहें इस बात को उसके बाद। ठीक है, राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होगी उसमें आप क्या करने वाले हैं ये तो बता दीजिए। सरकार के साथ हैं आप? मैं माननीय अमित शाह जी से मिलूंगा और अपनी जो व्यथा है उनसे कहूंगा कि ये ऐसे ऐसी बात है, प्रदेश की स्थिति ये है, इस स्थिति में हम जो भी बात चाहता हूं इसमें आप आगे क्या आपकी राय है, क्या चाहते हैं, हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, इसी तरह हम लोगों को उपेक्षित करके चाहे निकाय चुनाव, उपचुनाव, चाहे जो भी काम हो रहा है, हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा, प्रदेश के जो भी संगठन के लोग हों कोई समझता नहीं है कुछ कि हम लोग कुछ हैं, दम हम लोगों के पास कि नहीं है, हम लोगों की जरूरत है कि नहीं है, इस बात को कल मैं माननीय अमित शाह जी से कहूंगा और जैसा वो बताएंगे, जैसा वो आश्वासन देंगे उस हिसाब से कल निर्णय लेंगे। चलिए ठीक है, विनायक आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, ये हमको दिख रहा है यहां पे कि परिवार में कितनी दिक्कतें हैं, ये आपको यूपी का भी उदाहरण दे रहे हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, सरकार ने पार्लियामेंट को अपना एक अखाड़ा बना दिया है, वो ऑपोजिशन को सुनते नहीं है, उनके खुद के जो अलायंस पार्टनर है वो वेल ऑफ द हाउस ऑफ द वेल में आ जाते हैं। आज भी देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, जबकि जो 50 मेंबर या 60 मेंबर का सिग्नेचर था वो मिल चुका है, उसके बाद भी सरकार बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। पर जब सरकार को अपनी बात मनानी होती है तो वो फाइनेंस बिल के माध्यम से बात को मना देती है और बिल को पास करा देती है। इसमें मौका तो नहीं तलाश रही है। किस प्रकार की डेमोक्रेसी है आप मुझे बताइए? डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। और मुझे ये बताइए, ये सरकार जो है इन इन विभिन्न मुद्दों पे, इन विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? तो वैसे तो जब मन की बात करनी होती है तो मन की बात करते हैं, पर जब जन की बात करनी होती है तब नहीं करते हैं। कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा मौका है ना, एक साल में चुनाव है, यूपी में ये हाल है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ यह हाल है, पीडीपी में कश्मीर में ये हाल है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है ना, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? पार्लियामेंट को, लेकिन विनायक जी, विनायक जी दिक्कत ये है, पार्लियामेंट जी एक सेकंड होती है उसको आपने विनायक जी विनायक जी कर दिया है, विनायक जी विनायक जी विनायक जी आपके वोटर्स, विनायक जी आपके वोटर्स आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक नई इमारत खड़ी करेंगे, आप अपनी इमारत बना नहीं पाते हैं, सामने वाले की इमारत में अगर थोड़ी सी दरार हुई तो उसी पर आप खुश हो रहे हैं, और ये आपकी पार्टी का अच्छा मौका है। आप देखिए, जो दो दशक से इस देश की राजनीति चल रही है, गठबंधन की राजनीति चल रही है, आप नए साथी तलाशिए। जब होते हैं, एक मिनट, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है और आपका दायित्व होता है कि सरकार को आईना दिखाइए बार बार। मैं हम अपने बस दायित्व का पालन कर रहे हैं, अगर सरकार वो काम आपका हल्का कर दिया है, वो उनके अपने परिवार के लोग बार बार आईना दिखा रहे हैं, आपका वो काम भी हल्का कर दिया तो कौन, चलिए आपका वो काम भी हल्का हो गया है। अनिला जी कुछ कहना चाह रही है, ठीक है विनायक, विनायक एक मिनट रुकिए, ठीक है अनिला जी कुछ कहना चाह रही है, अनिला जी आपको आईना ना दिखाएं, ठीक है नरेश जी, जी जी विनायक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पार्लियामेंट नहीं है, वो हल्ला मत करिए ज्यादा। देखिए ऐसा है, विनायक जी ने कहा कि देखिए इनको खांसी जुखाम हो रहा है और ये मान रही हैं। हाँ, हमको खांसी जुखाम होता रहता है और हम स्टीम लेकर और अदरक का जूस और शहद चाटकर ठीक भी हो जाते हैं, पर आपकी कांग्रेस को जो ग्लायोब्लास्टोमा हो गया है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, धीरे धीरे आप मर रहे हैं। इस बीमारी का, इस कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है जिससे कि कांग्रेस ग्रसित है। पहले तो आपने देश को बर्बाद किया और उसमें कहते हैं ना, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका खुद का बुरा आप होता है। सत्ता में हैं, देश को बर्बाद किया, आज वो खुद मैं बर्बाद कुछ कहना चाहूंगा आपको, इनके इनके अध्यक्ष जी जो हैं
इनके अशांत रहिए, मैं बीच में बिल्कुल अच्छा, नहीं बोली थी। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, आप सत्ता में हैं, आपको राजधर्म का याद दिलाना चाहूंगा मैं, आप सत्ता में हैं, आपको राजधर्म का मैं पालन याद दिलाना चाहूंगा। आप कांग्रेस की चिंता मत करिए, मैं मंदिर मंदिर गया, पुजारी पुजारियों से पूछा कि क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अरे आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे की बात करिए ना, आप क्यों जनता को गुमराह कर रही हैं मैडम, आप मुद्दे की बात करिए, आप प्लीज गुमराह मत करिए, आप मुद्दे की बात करिए। जो आपकी दिक्कतें हैं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, जो आपकी दिक्कतें हैं कश्मीर में पीडीपी के साथ, जो आपकी उत्तर प्रदेश में दिक्कतें हैं, जो आपकी आंध्र प्रदेश में दिक्कतें हैं, आप उनकी बात करिए, आप कांग्रेस की चिंता मत करिए। पिछड़ों का सोचो, दलितों का सोचो, महिलाओं का, देश का आपको सोचना है। आप सत्ता में हैं, हम सत्ता में नहीं हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व बनता है देश का सोचने के बारे में। हमारा काम है ऑपोजिशन में आपको आईना दिखाना, बार बार आपको कठिन सवाल पूछना और जनता की आवाज पहुंचाना। आप दोनों देश के बारे में सोचिए, भाजपा की दिक्कत यही है, वो भूल जाते हैं कि अब वो सत्ता में है। विनायक जी, वो भाजपा बार बार भूल जी, एक सेकंड रुकिए, आप हैं हम नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, बनता है, ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। अनिल कुछ देर पहले जो अनिला जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये तो परिवार का आपस का मामला है, इसको हम सुलझा लेंगे, लेकिन वाकई में क्या ये इतना हल्का मामला है, या वाकई में इसको अंडरप्ले करके दिखाया जा रहा है और जो दिक्कत है वो ज्यादा बड़ी है। शिवसेना सामना में आर्टिकल लिखती है अंत का आरंभ, हालांकि वो टीडीपी के जैसे नहीं है। शिवसेना चार साल से लगातार विरोध के स्वर उसके बने रहे हैं, उसके बावजूद वो सरकार में है। टीडीपी अचानक से नाराज होती है और अविश्वास प्रस्ताव ले आती है, ये वाकई में संकट बड़ा है, अंडरप्ले किया जा रहा है। वैचारिक गठबंधन की बात है और तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का वैचारिक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सबसे लंबा गठबंधन है, दोनों की विचारधारा करीब करीब मिलती जुलती है। तो ऐसे में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस इतनी जल्दी जो है टूट नहीं सकता है, वो साथ भी रहेंगे खिलाफ भी रहेंगे। लेकिन बाकी जो गठबंधन थे, जहां तक मैं देखता हूं, वो सत्ता लोलुप गठबंधन है। वो सत्ता में आने के लिए चाहे वो रामविलास पासवान रहे हो, टीडीपी रहे हो, ये ऐसे लोग हैं। यहां पर शिवसेना कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस या यूपीए में कभी भी नहीं गई है, इसलिए उसको अलग रखना पड़ेगा। बाकी दल जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इस स्टेट में क्या होता है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनकी सीमा जो है राज्य तक है और राज्य विकास के लिए कहीं ना कहीं केंद्र के फंड पर निर्भर रहते हैं। तो जो भी क्षेत्रीय दल है वो केंद्र में जो भी दल की सत्ता रहती है उनके नजदीक रहकर सत्ता में भागीदारी के बहाने अपने स्टेट का फंड बढ़ाना चाहते हैं। इस देश की राजनीति में जब भी क्षेत्रीय दल, जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तब से हम ट्रैक देखें तो यही ट्रैक रहता है। ऐसे में जब 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, हर दल अपना अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना या यूपीए के में जाके एनडीए में जाके वो फायदा देख रहा है किस गठबंधन में जाके हमको ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, हमारे ज्यादा एमपी पहुंच सकते हैं और हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो 2019 के चुनाव के बाद जो भी सीन बनेगा हम बार गेन करके सत्ता में आ जाएंगे। अगर हमें अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन में जाने में दिक्कत होगी। तो अभी जो भगदड़ है वो दोनों तरफ मचेगी, क्योंकि यूपीए विपक्ष में है और वहां भगदड़ इसलिए नहीं है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे सीटों के बंटवारे पर लड़ाई होगी। जो ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं, भले वो बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हां पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहिए। देखिए जो भी राजनीतिक दल है वो सत्ता के साथ साथ उसको पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहिए। अगर इनको दो सीट अपना दल के दो सीट मिल सकती है, उसके दो सांसद जा सकते हैं, तो उससे वो कम वोट बैंक ओम प्रकाश राजभर जी का भी नहीं है। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको लोकसभा में पांच सीटें चार सीटें जो उनका उनका अपना गणित होगा और वो देश अभी वो प्रदेश में उनका प्रतिनिधित्व है, वो लोकसभा के गलियारे में देश की पंचायत में क्यों नहीं अपना प्रतिनिधि भेजना चाहेंगे और भेजना चाह रहे हैं, इसमें गलती क्या है? उनको चुनाव में भागीदारी चाहिए। इस भागीदारी के समय जब गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होगा, आपने बहुत सारे गठबंधन देखे होंगे जो सीटों के बंटवारे पर टूटते हैं। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं होगा, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, तो सेम शर्त यहां भी लागू होती है। सीटों के बंटवारे के समय जैसे जैसे समय करीब आएगा, गठबंधन में दोनों तरफ के गठबंधन में खलबली मचेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए बार्गेन करेंगे और दोनों तरफ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, जैसा कि पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जो किला है उसमें दरारें आ रही हैं, एक्चुअली दरारें नहीं है, सिर्फ बार्गेन है, कहीं ना कहीं कम बेसिस सब राजी हो जाएंगे, सारा जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, बार्गेन की स्थिति है। हाँ। भाजपा कितना दे सकती है यहां भाजपा को, जो कि लोकसभा चुनाव हाँ। पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच परिस्थितियां बदली हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है। अगर सपा बसपा एक साथ आते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी को भी ध्रुवीकरण रोकना पड़ेगा, उसको अपने तरफ ओबीसी को लाना पड़ेगा। ऐसे में जो उनके दूसरे सहयोगी दल हैं वो दबाव बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा सीट पाने के लिए, तो ऐसे में कंप्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, और वो कंप्रोमाइज नहीं करेगी तो ये लोग दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, इसलिए उसको कंप्रोमाइज करने, अगर उसको 5 या 6 मिलता है या 15 मिलता है, बहुत कुछ खोने के लिए, उसके पास 2 MP हैं, इनके पास तो 71 MP हैं, इनको कुछ देने में मुश्किल आएगी। कांग्रेस को 2 MP हैं, उसको देने में मुश्किल नहीं आएगी, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल समय है। कांग्रेस को इसमें अपना ताक में होगी कि कौन गठबंधन टूटे, क्योंकि सबको पता है कि आने वाली सरकार भी अलायंस की सरकार होगी, तो किस तरह से अलायंस में टूट पड़े और उनके साथ लोग जुटे और उनकी सीटें बढ़े। राजभर जी, जरा एक बात बताइए, क्या आपके कांग्रेस से या बाकी विपक्षी दलों से, अगर मैं क्षेत्र में बात करूं, समाजवादी पार्टी या बसपा, इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए, हमारी इन लोगों से कोई बात नहीं हुई है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हूं, और गठबंधन में रह करके जो निचले पायदान पे जो कमी है, उस कमी को बार बार हम अवगत कराता हूं कि वो दूर हो, और हमारा प्रयास होता है, हमारा प्रयास इसी बात के लिए है कि जो माननीय अमित शाह जी से मिलने का है, कि चूंकि जब यहां बात कहते कहते थक जाता हूं तो अमित शाह जी से कहता हूं, आज पहली बार नहीं जा रहा हूं, अमित शाह जी क्या कि कम से कम इस बात को लेकर के मैं 4 बार 5 बार जा चुका। लोकसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में आपकी भूमिका क्या रहेगी, वहां ये दिक्कत हो रही है? लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्या प्लान है? लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव में अब गठबंधन में हैं, हमारे बड़े भाई अपने साथ रखेंगे तो रहेंगे, नहीं रखेंगे तो नहीं रहेंगे। दोनों ही स्थिति में अगर आप रहते हैं तो कितने सीटों पर आप चाहेंगे कि आपके कैंडिडेट खड़े हों, और नहीं होंगे साथ में तब आप कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? देखिए, हम बहुत, हमको सरकार नहीं बनानी है दिल्ली में जाके, हम सहयोगी दल हैं, असहयोग में सीट बहुत मायने नहीं होता है, हमको जो भी सीट देंगे, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से सुहेल देव भारतीय समाज बड़े भाई का कर्तव्य कि छोटे भाई लोकसभा में होने चाहिए कम से कम? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हम 32 सीटों पर हमारी पार्टी अपना एक छोटा मोटा प्रभाव रखती है, जहां हम 1,00,00, 1,75,000, 90,000 वोट हम आसानी से ट्रांसफर करा सकते हैं, जो मेरी पार्टी की कुवत है, मेरे नेताओं की जो कुवत है, उस हिसाब से जो भी हमारे बड़े भाई हमको दे देंगे। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में मुझे 8 सीट दे दिया, मैंने क्या बगावत किया क्या? मैंने 8 सीट लेकर के लड़ा, 4 जीत के आया, तो वो मायने नहीं रखता है। लोकसभा में कितना चाहते हैं, मतलब नहीं है, समझौते में अगर हो गया तो जो भी कुछ तो मांगेंगे ना, चाहने से नहीं होगा। हम अपने बड़े भाई के पास जाएंगे, हम अपने बड़े भाई के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनके जो समझ में आएगा, जो विधानसभा के चुनाव में उनको समझ में आया हमको दिए, हम लड़े, लोकसभा के चुनाव में जो उनको समझ में आएगा कि नहीं, वो प्रकाश किया। आप ये बात मान रहे हैं कि जब आप अपने बड़े भाई से मिलेंगे तो आप इस बारे में बात करेंगे? है ना, कभी विवाद करते हैं? चलिए, आप कुछ तो प्रस्ताव रखेंगे ना कि हम इतने सीटों की मांग करेंगे? नहीं, इस संबंध में नहीं बात करेंगे। अभी आपने कहा कि हम जाके बात करेंगे। नहीं नहीं, हम उस सीटों के संबंध में हम वहां नहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम देखिए, जब वो समय आएगा, वोटर्स है ना, राजभर साहब आपके जो वोटर्स हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ, आपको सुन रहे हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होगा क्या, और उसका रास्ता राजभर के जरिए होगा क्या? क्या आप ये मांग रखेंगे क्या? और अगर मांग नहीं रखेंगे तो आपके वोटर खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, अभी राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, अभी 1 साल कार्यकाल पूरा है, 1 साल में जो हमारे भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की जो निचले स्तर पे उपेक्षा हुई है, जो हम लोगों के साथ कुछ दिक्कतें आई हैं, उस बात को अपने बड़े भाई के साथ रखूंगा, इसको निराकरण कराऊंगा कि इसको आप हल कराइए, चाहे वो किसी से भी कहीं से भी हो, ताकि हम लोग भी आपके साथ सम्मान के साथ रह सके। अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर बड़े भाई के पास बैठ करके सीटों की बात उनसे कहेंगे कि भाई हमको भी आप कितनी सीट दे रहे हैं उसको दीजिए, अब जाके तैयारी करें, लड़ें। चलिए ठीक है, अनिला जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। हालांकि बहुत हद तक राजभर जी की जो नाराजगी है उसकी वजह साफ हो रही है, आप मुझे बताइए कि बीजेपी को इस वक्त चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए?
एलजेपी कहीं ना कहीं नाराज इस वक्त चल रही है। रामविलास पासवान ने कहा कि मुस्लिम विरोधी छवि से बीजेपी को उबरना होगा। टीडीपी आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, शिवसेना आपके खिलाफ आर्टिकल लिखती है, अंत का आरंभ। शिरोमणि अकाली दल के सांसद भी आपसे नाराज चल रहे हैं। नरेश गुजराल ने कहा कि ये एनडीए जो है पहले ऐसा एनडीए नहीं है और सरकार गो हत्या, राम मंदिर जैसे मुद्दों को बीच मिलाकर मुख्य एजेंडे से हट रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की रैली हाल ही में, उसमें आरजेडी के कई नेता दिखाई दिए। आपके लिए चिंता की बात है कि नहीं है ये? देखिए नरेश जी, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब सरकार की भागीदारी होती है उनकी और उस वक्त ये नहीं उठाए जाते हैं, और इलेक्शन और जो इलेक्शन ईयर होता है तो बहुत सारी बातें कहते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें कुछ कारण अनिल जी ने अभी हम लोगों को बताए भी हैं, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। परंतु मैं एक चीज जानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष जो सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो कर्मयोगी हैं, वो काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं, वो किसी पार्टी के लिए किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। और ये बात इस देश की जनता जानती है, इसीलिए हम राज्य पे राज्य जीतते चले जा रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि जैसे जो सहयोगी दल है, अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप है, खांसी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। कांग्रेस की तरह जियोब्लास्टोमा से हम सफर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि सहयोगी दलों के अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको खटक रही हैं, तो मिल बैठ के आपस में वो सॉल्व हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला सामने नहीं आने वाला है। अहंकार आपको शोभा नहीं देता, आपको राजधर्म है, राजधर्म की कर्तव्य बनने वाली है, उसका पालन करिए, इतना अहंकार ना। अरे विनायक जी, आप इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? इतना विचलित मत होइए, मैं जानती हूँ, ऐसी बीमारी का नाम मैंने लिया है जिसका कोई इलाज नहीं है। दुर्भाग्यवश डॉक्टर भी आपके ऐसे ही हैं, राहुल गांधी डॉक्टर बने हुए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस का कोई इलाज नहीं होने वाला है। हाँ, सोनिया गांधी जी की मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी माँ है वो। मैं आपसे दो चीजों की आग्रह करूंगा, एक तो पहले आप अपना घर देखिए, तो उनके सुपुत्र ये नहीं कहते कि जो दीवार कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में हो गई है, मेरा सबसे पहला काम होगा आपको अच्छे दिन के वादे किए थे, उन्होंने कह दिया कि अच्छे दिन नहीं आए अभी तक, अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल फेल हो चुकी थी, जो दीवार खड़ी हो गई थी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, वो उसको ढा नहीं पाई थी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है ना आपके, वो हमारा वो वही हमारी मदद कर देते हैं। मैं आपको एक नारा गिनाना चाहूंगा जो व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया पे नारा चल रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। विनायक जी, सवाल ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पे और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आग्रह है मेरी भाजपा की मित्र से कि इतना अहंकार इनको शोभा नहीं देता। आप सत्ता में हैं, आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए, आपको देश की जनता की बात करनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ना कीजिए। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है, सोशल मीडिया पे जिंदा रहती है और हम अपने काम के दम पे जिंदा रहते हैं, फर्क है। विनायक जी, सवाल ये है कि एनडीए से जो लोग अलग हो रहे हैं, क्या कांग्रेस उनको अपने पास लाने का कोई प्रयास करेगी? एक न्यूज की जो इन्वेंशन है वो भाजपा ने की है, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों झूठ बोल रही हैं? आप क्यों जनता को गुमराह कर रही हैं? ठीक है, ठीक है, सुशमिला जी आप भी रुकिए, विनायक आप भी रुकिए, इन्वेंशन और विनायक की इन्वेंशन आप लोग, विनायक जी मेरी बात सुनिए एक सेकंड, यहाँ पर अनिल जी एक सवाल, विनायक जी सवाल ये नहीं है कि एनडीए क्या कर रहा है, सवाल ये है कि आप अगर 2019 की तैयारी में हैं तो जो लोग नाराज हैं एनडीए से, आपको भी पता है कि बिना गठबंधन के सरकार नहीं बन रही, तो क्या कांग्रेस नेतृत्व तो उनको अप्रोच कर रहा है, जैसे टीडीपी है और भी जल है जो नाराज चल रहे हैं, उनको एक साथ एक मंच पर 2019 के चुनाव के पहले लाने की कोई कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, पहली बात, इसका जो फैसला होगा पार्टी की कमेटी होती है, जो सीनियर लीडर हैं वो बैठ के इस मुद्दे पे डिसीजन लेते हैं, और जब वो डिसीजन लिया जाएगा तो वो मीडिया में और जनता में सामने पेश किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी चुनाव में समय है,
तो अभी ये बातें करना उचित नहीं है। अभी महीने दो महीने तीन चार महीने में माहौल बहुत बदलता है, आप भी जानते हैं, आप अनुभवी हैं, अभी इस चुनाव में बहुत समय है और अभी माहौल बनने में राहुल गांधी तो चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, आप नहीं लगे हैं? ज्यादा नहीं लगता, पर अभी चुनाव को समय है तो थोड़ा सबर कीजिए। तीसरी चीज अभी जो यूपीए की चेयरपर्सन है माननीय सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उन्होंने अभी डिनर भी किया था अलायंस पार्टनर के साथ, आप उस बात से वाकिफ भी हैं। ठीक है, तो अलायंस पार्टनर से हमारा बरकरार जो रिश्ता है वो कायम रहता है। 2019 की सरकार तुम्बा तो बढ़ाना पड़ेगा ना सरकार बदलने के लिए। अलायंस जो असली अलायंस होगा वो पार्टी की जो सीनियर लीडर है उसकी, हमारे पास एक बाकायदा कमेटी है वो डिसीजन लेगी। अभी समय है, उस प्रक्रिया के बारे में सबको पता है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। राजभर जी, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि बड़े भाई अमित शाह से मेरी मुलाकात होगी, मान लीजिए आप जिन मांगों को लेकर उनसे मिलेंगे अगर वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आपके पास विकल्प क्या होंगे? देखिए, बड़े भाई के पास जाने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो गठबंधन जब हुआ तो उन्हीं के माध्यम से हुआ और उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा, और जब मैं अपनी बात को लेकर उनके पास जाऊंगा उनसे कहूंगा तो उसका निराकरण वो जरूर निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब आपकी सरकार बनने के पहले बात हुई होगी तब उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि 325 का आंकड़ा यहां पर यूपी में छू जाएगी बीजेपी। आज स्थिति अलग है, आज आपको लगता है कि अगर मान लीजिए अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तब आपके पास कांग्रेस, सपा या बसपा, तीनों में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा? देखिए, चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं था कि सरकार बनेगी, उस समय मैंने कहा था कि पूर्वांचल से 125 सीट जितवाऊंगा, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे और लोग मेहनत करेंगे, 125 सीट जीतेंगे। और 152 सीटों में 125 सीट बीजेपी जीती पूर्वांचल में, और क्योंकि मैं वहां काम करता हूं धरातल पे पूर्वांचल में, मुझे विश्वास है। और माननीय अमित शाह जी से बात हुई, अमित शाह जी ने कहा कि नहीं हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, हमके बिल्कुल सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, हम लोगों ने लगाया और सहयोगी जो हमारे अपना दल के उन लोगों ने लगाया, हम लोगों ने मिलकर के 325 सीट जीता और जीत करके आए। अब जहां तक सवाल आपका है कि बात नहीं बनेगी, बात क्यों नहीं बनेगी? नहीं, अगर बात तो बनेगी, राजनीति में विकल्प भी तो रखने होते हैं, माने हैं माननीय, राजनीति में विकल्प भी तो रखने होते हैं। पता तो चले जनता को कि ओम प्रकाश राजभर जी के पास इस वक्त कोई विकल्प है या नहीं है, या जो अमित शाह जी बोलेंगे वही मानने को आप मजबूर होंगे, जो वो दे देंगे वही लेने को मजबूर आप होंगे। नहीं, देखिए, अब बड़ा भाई भी इतना समझदार है कि वो ओम प्रकाश की ताकत को भी, उनकी जो धरातल पे काम करते हैं, कई बार इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। नहीं है, कल तक हम जरूर मानते थे कि हो सकता है। हम धमकी नहीं देते हैं, हम अपने जो कमी है उसको उजागर करने के लिए एहसास कराते हैं कि इसको दूर किया जाए ताकि आने वाले 19 में हम लोग पुनः वापस आ सकें सरकार में। आपने कहा कि बड़े भाई को छोटे भाई की ताकत का एहसास है, लेकिन ये ताकत अकेले की है या आपको लगता है कि अपनी ताकत को आप बाकी दलों के साथ जाकर बढ़ाने का विकल्प आपके पास है? आप क्यों अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं? देखिए, बड़े भाई जो है अपने साथ रखेंगे तो बड़े भाई के साथ रहूंगा, नहीं रखेंगे तब उसके पास विकल्प देखा जाएगा। नहीं तो अभी तो तैयारी करनी होगी ना, अचानक से आप किसी के पास जाएंगे तो कैसे? कहीं तो कुछ बैकडोर ऑलरेडी चैनल खुला होगा कि अगर ये नहीं तो ये विकल्प है। कम से कम आपके आपके जो वोटर्स हैं उनको पता तो चलना चाहिए कि उनकी ताकत क्या है। आज की राजनीति में अकेले रहने में कहां ताकत है? नहीं, हमारा हर दल को पता है कि अगर मुझे किसी को सपोर्ट देना होगा तो या तो बीजेपी के साथ हूं या कांग्रेस के साथ। प्रकाश के साथ देखिए, जो स्थिति वो पैदा होगी उस समय वो फैसले लिए जाएंगे। अभी हम जहां हैं, यानी विकल्प लेकिन खुला है, हम लोग मिल के 2019 का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी आपका, अनिला जी आपका, विनायक आपका, अनिल जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा को यहीं समेटते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरी चर्चा के दौरान आई जो अनिल जी ने कही कि आज लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है कि एनडीए का जो किला है उसमें दरारें आ रही हैं और एक के बाद एक परिवार के लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन शायद जो दिखाई दे रहा है सच वो नहीं है। सच यह है कि एक साल में चुनाव होने हैं और उसके पहले एक प्रेशर बिल्ड करने की ये तकनीक है ताकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें उन पार्टियों को मिल सके।
इसलिए विपक्ष के पास शायद एनडीए की इस दरार में ज्यादा खुश होने का मौका नहीं है, और अगर वो ज्यादा खुश हो रहे हैं तो फिर नुकसान भी उन्हीं को होना है। बहुत बहुत शुक्रिया।